अस्सलामुअलैकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर से मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ मैं आपको आज क्या बनाना सिखा रही हूँ। मैं आज आपको स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनाना बताऊँगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखें, सबसे पहले मेरे पास यहाँ 2 eggs हैं, इनको मैं तोड़ लूँगी। इनको तोड़ के एक बाउल में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तोड़ लूँगी, अलग अलग तोड़ूंगी ताकि ख़राब हो तो बचत हो जाए। देखिए दोनों अंडे मैंने निकाल लिए, इसमें डालूँगी। इस पॉइंट पे ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, हाफ से भी कम नमक लेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको हम फेंट लें। देखें एग फ्लफी हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे एक पैन है, मैंने एक पैन को 2 से 3 tablespoon मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, फ्लेम ऑन कर दिए। जब ये गर्म हो जाए तो हम इसमें शामी कबाब को फ्राई करेंगे अंडे के अंदर डिप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से 1 by 1 चारों पेटीज को हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरी शामी कबाब की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका ऊपर लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं शामी कबाब की रेसिपी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक और पैन है, मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी 1 से 2 teaspoon। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो मैंने बीटेड एग थे वो ऐड करूँगी। तो इतने करने के लिए 4 बर्गर आराम से बन जाएं। इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। इसको पलट लूँगी मैं। इसी तरह मैं चारों कर लूँगी, चारों बर्गर्स के लिए। चारों कबाब फ्राई हो चुके हैं और हम इनको निकाल लेंगे। मेरे पास यहाँ 4 बर्गर्स हैं, मैं इनको निकाल लूँगी चॉपर में से। बर्गर मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इसके अंदर ऑयल ग्रीस करूँगी और इसको फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। आप लोग यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं चारों को कर लूँगी, पहले बॉटम को करूँगी फिर उसके बाद मैं टॉप को इसी तरह से पैन में थोड़ा सा सेंक लूँगी। एक एक करके मैं इसको रखती जाऊँगी। टॉप पॉपर पैन इस तरह से ग्रीस करूँगी। देखिए इसमें कलर आ चुका है, मैं इसको निकाल लूँगी 1 by 1 करके। फाइनल भी मैंने निकाल लिया। अब हम इसके टॉप पार्ट को फ्राई करेंगे। टॉप पार्ट को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इन पर भी कलर आ चुका है, अब मैं इसको भी 1 by 1 निकाल लूँगी। देखिए मैंने ये फ्राई कर लिए, सेक लिए सॉरी इसको। अब मैं यहाँ सबसे नीचे के पार्ट में मैं टोमेटो केचप लगाऊँगी। सबसे नीचे पार्ट में आप हरगिज़ चटनी मत लगाइएगा, वरना ये जल्दी से सौगी हो जाएंगे और फिर ये टूटने लग जाएंगे। तो सबसे नीचे के पार्ट में हम केचप ऐड करेंगे। मेरे पास केचप नहीं है, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस सॉरी मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। इसको फैला लेंगे। लेकिन चारों में मैंने ये टोमेटो केचप लगा दिया। अब मैं नीचे के पार्ट में जो मैंने एग फ्राई करके रखे थे वो लगाऊंगी सब में। इसी तरह मैं चारों में लगाऊंगी। ये पैटीज लगा दूंगी, एक 1 by 1 सब में लगा दूंगी। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे कॉलेस्लो लगाऊंगी। कॉलेस्लो की अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर इसका लिंक दे दूँगी,
आप लोग देख लीजिएगा वहाँ जाके। कॉलीस्लो को बनाने बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून भर के कॉलीस्लो फैला ली। इसी तरह मैं सब पे फैला लूँगी। देखिए सब में मैंने ये इस तरह से फैला लिया है। अब मैं यहाँ पे टोमेटोस और कुकम्बर लगाऊँगी। अब मैं यहाँ पे टोमेटो लगाऊँगी। सेंटर में कुकम्बर, इसी तरह मैं सब पे कर लूँगी। देखिए मैंने सब पे कर लगा लिए। अब मैं ऊपर के पार्ट की तरफ आऊँगी। ऊपर के पार्ट को हम देखते हैं। अब देखिए अब बारी है ऊपर के पार्ट को असेंबल करने की। तो अब देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास चटनी है। ये चटनी मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून फैला लूँगी इस तरह से। इस तरह मैं बाग पे फैला लूँगी। और अगर आपने मेरी चटनी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। आप लोग जाके देखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चटनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको बहुत कम कर दीजिएगा। अगर बच्चे नहीं खाते तो स्किप करिएगा। ऊपर के पार्ट में चटनी लगाने से सॉगी नहीं होगा ये। अब हम बर्गर को इसके ऊपर रख देंगे, टॉप पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह मैं सारे कर लूँगी। असेंबलिंग हो चुकी है बर्गर की। मैंने यहाँ पे मैं हल्का सा घी लगा लूँगी। हम इसमें जो मैंने असेंबली की है बर्गर की, वो बोथ साइड से इसको हल्का सा सेंक लूँगी। वन बाय वन हम इस तरह से ही सारे कर लेंगे, बोथ साइड से, नीचे के साइड से भी ऊपर के साइड से भी सेंक लेंगे इसको पलट कर। देखिए बोथ साइड से ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं। हम इसको निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे टूथपिक लगाएंगे सेंटर में ताकि ये पार्ट एक दूसरे के साथ ही रहें, टूटे ना, अलग अलग ना हो जाए। इस तरह से मैं सब पे लगा दूँगी। मज़ेदार बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं। तो आइए हम इसको बीच में से सेंटर में से कट कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार बर्गर जल्दी से असेंबल हो चुके हैं। कि फाइनल लुक देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चले जाएं, आप भी बनाएं अपने घर के अंदर और मज़े करें और मज़े करवाएं। इसको हम केचप के साथ और कॉलीस्लो के साथ इसको सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।